गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यस, और आज हम जैप ही कंटिन्यू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का नई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है? इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है लेट। मान ले कोई ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये चार आदमी है। हियर इज फोर मैन ए बी सी डी, ए बी सी डी। इनको जो इनको मान ले ये को तो मैंगो पसंद है, डी को गुआवा पसंद है, सी को लेमन पसंद है, डी को क्या है कोई भी फल मान लो पपाया पसंद है। ए को तो ये मैंगो, बी को गुआवा, सी को लेमन, डी को पपाया, ये है, ये इसकी चॉइस है। अब मान लिया ये एक्स है, ये वाई है, ये फंक्शन मान लिया कोई फंक्शन है एफ इज टू एक्स टू वाई, ये फंक्शन एफ एक्स एक्स टू वाई। अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स सच दैट बोथ फंक्शन आर वन वन एंड वन टू, बोथ फंक्शन आर, अगर कोई फंक्शन है एफ एफ टू फंक्शन है एफ टू वाई, अगर कैसा फंक्शन है, एक की कोई चॉइस है इधर वन 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 एंड वन टू, कैसा फंक्शन है ये वाई इक्वल टू फंक्शन है वन वन एंड वन टू, वन वन एंड वन टू। एक अगर कोई ये फंक्शन होगा जी वाई टेंस टू एक्स, जी जी वाई टेंस टू एक्स इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन, इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन, इज कॉल्ड इनवर्स फंक्शन। कॉल्ड इनवर्स फंक्शन दैट इज कॉल्ड, अगर ये वाई टू एक्स हो जाए दैट इज कॉल्ड टू द इनवर्स फंक्शन, दैट इज कॉल्ड टू द इनवर्स फंक्शन। देन एंड इज डेनोटेड बाय एफ इनवर्स, एंड इज डेनोटेड बाय एफ इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, देखिए फंक्शन है एफ एक्स एक्स टू वाई है, y इक्वल टू एफ एक्स है, वन टू वन, वन वन एंड वन टू फंक्शन है। इस तरह मान ली ए को ये चॉइस है, बी को ये, सी को ये, उसका अगर रिवर्स हो जाएगा मान ली एन इक्वल ये y टू एफ हो जाए फंक्शन, y टू एफ एक्स एफ हो जाए, दैट इज कॉल्ड टू द एफ इनवर्स इज टू द इनवर्स फंक्शन, दैट इज कॉल्ड द एफ इनवर्स। That here are the two functions of f and g. There are the functions f and g that is called to the each other inverse function, inverse of each other function f and g, such that types f and g are called inverse function of each other. एक दूसरे के इनवर्स के, एक दूसरे के इनवर्स के, ये क्या कहलाता है? देखो क्या है कि मान लिया कोई ये फंक्शन वन टू वन था, इस तरह का हो जाए वाई टू एक्स, ये फंक्शन एक्स टू एक्स वाई था, ये था जी टू वाई टू एक्स, अगर इस तरह के जो फंक्शन हो जाए दैट इज कॉल्ड टू द इनवर्स फंक्शन ऑफ
एफ इन एफ टू जी और जी टू एफ। अगर इसकी डोमेन और रेंज निकाल लो इन इनवर्स फंक्शनों की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, जिससे निकालते हैं अगर तो ये क्या है भाई, एस साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स अपॉन वन, ये दोनों इक्वल है क्या? अगर कोई पूछता है कि दैट साइन इनवर्स एक्स एंड साइन एक्स इनवर्स आर इक्वल, बताओ। नो दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, इट मीन्स वन अपॉन मीन्स इट मीन द एंगल इन रेडियन एंड दिस इज मीन दिस वन फोन साइन एक्स दैट इज मीन्स इज नॉट इक्वल। ठीक है, अच्छा अब है डोमेन। एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, डोमेन क्या है इसकी? डोमेन माइनस वन टू वन, डोमेन क्या जाएगी? माइनस वन टू वन। और रेंज क्या आ जाएगी? माइनस फाइव बाई टू फाइव। रेंज डोमेन एंड रेंज इसी तरह से, अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, इसकी डोमेन कितनी जाएगी? डोमेन कितनी जाती है टू माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन। रेंज क्या आ जाती है? जीरो टू फाइव। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है, डोमेन और रेंज कितनी आ जाती है? डोमेन और रेंज भी आ जाती है। डोमेन तो आ जाएगी, डोमेन क्या आ जाएगी? आ जाएगी ये माइनस फाइव बाई टू फाइव बाई टू, माइनस फाइव बाई टू फाइव बाई टू, ये आ जाती है। जैसे एक सवाल है, जैसे एक सवाल है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वन प्लस साइन इनवर्स एक्स टू प्लस साइन इनवर्स एक्स थ्री, साइन इनवर्स एक्स एन इज लेस देन एन फाइव बाई टू, साइन इनवर्स एक्स वन प्लस साइन इनवर्स एक्स टू प्लस साइन इनवर्स एक्स थ्री प्लस साइन इनवर्स एक्स एन इज लेस देन माइनस एन फाइव बाई
uses. Where n belongs to n, where n belongs to n, and n is equal to 2n plus 1. Here. And m is greater than 1, and m is greater than 1. N is equal to 2n plus 1, and m is greater than 1. To find the value of x1 power 3 plus x3 power 3 plus x5 power 5 up to 2 m plus 1 up to m plus 1 times and x2 power 2 plus x4 power 4 x6 power 3 pair is equal to m plus 1 m times. Yeah. To find the value of its value निकालनी है, ये given है sin x to minus n pi by 2 and n is equal to 2 n plus 1 and m is greater than 1. So क्या आ गया, we know that sin inverse, we know sin inverse x I is equal to is less than equal to minus pi by 2 I is equal to 1 2 3 pi by n sin inverse x I is greater than equal to minus pi by 2 I is equal to 1 by 1 2 3 to n. ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स वन प्लस साइन इनवर्स एक्स टू प्लस साइन इनवर्स एक्स थ्री माइनस एन पाई बाई टू माइनस के एन पाई बाई टू ये आ गया, ये इनकी फिर अच्छा अब गिवन क्या है, गिवन है ये वाला, ये इसके लेस देन है, यही वाली ये क्या है, ये इसके ग्रेटर देन है, तो दोनों क्या होंगे, ये दोनों किसकी इक्वल होंगे, ये कब हो सकता है, ये कब हो सकता है भाई, गिवन सकते हो क्या, ये कब हो सकता है, इनकी साइन इनवर्स एक्स वन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर equal to sin inverse x three. ये आ जाएगा, ये कब आ जाएगा, ये आ जाता है वेयर एक्स आई इज इक्वल टू वेयर एक्स आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वन वन टू थ्री एंड फोर आई थ्री यहां तक क्या जाता है अब गिवन है ये वैल्यू एक्स वन के अंदर क्या जाएगी वन आ जाएगी क्या जाएगी वन माइनस वन इसकी आ जाएगी वन 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 एम प्लस वन टाइम्स क्या आ जाएगी वन वन आ जाएगी और इसकी वैल्यू सबकी वैल्यू क्या आएगी माइनस के पाई आएगी तो साइन इनवर्स एक्स वन इक्वल टू पाई बाई टू क्या आएगी द साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू एक्स इक्वल टू क्या जाएगा ये साइन पाई बाई टू ये तो होता है ना वाई इक्वल टू साइन एक्स एच एक्स इक्वल टू क्या जाएगा ये साइन इनवर्स वाई इस तरह से तो एक्स इक्वल टू साइन पाई तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगा ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस माइनस साइन थीटा माइनस साइन
pi by 2 minus sin pi by 2 is equal to minus 1 x equals minus 1 minus x equal to minus 1 की वैल्यू यहां रख दूंगा सब में, यहां भी यहां भी यहां भी, तो गिवन से क्या आ जाएगा गाइस, minus 1 की पावर 1 minus 1 की पावर 1 minus 1 की पावर 3 minus 1 की पावर 5 दैट इज व्हाट क्या आ गया minus 1 minus 1 की पावर 1 प्लस minus 1 की पावर 3 प्लस minus 1 की पावर 5 एंड सो ऑन अप टू m प्लस 1 टाइम्स अपॉन ये आएगा 1 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर 2 माइनस 1 की पावर 4 प्लस माइनस 1 की पावर 6 m टाइम्स आ गई क्या आ गया माइनस 1 की पावर m प्लस माइनस 1 माइनस 1 अब टू m प्लस 1 क्या आएगा ये एम प्लस वन अपॉन सर माइनस वन टू वन माइनस वन का स्क्वायर क्या आएगा वन ये भी वन ये भी वन ये माइनस माइनस आएगा यहाँ एम प्लस वन क्या आएगा एम प्लस वन टाइम्स और ये माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर अच्छा ये माइनस आएगा यहाँ ये आएगा ना ये आएगा देखो माइनस वन प्लस माइनस वन अब टू प्लस वन एम प्लस वन अपॉन एम या माइनस एम प्लस वन अपॉन एम माइनस वन अपॉन देखो क्या सवाल था ये सवाल था ये साइन इनवर्स एक्स वन प्लस साइन इनवर्स एक्स टू प्लस साइन इनवर्स लेस देन एन पाई बाय टू एन बिलोंग्स टू एन एन इज इक्वल टू टू एम प्लस वन एम इज ग्रेटर देन वन इसकी वैल्यू निकालनी है इसकी क्या है इसकी जो है वैल्यू निकालनी है इसकी वैल्यू किससे निकाल सकते हैं देखो साइन इनवर्स एक्स आई इज ग्रेटर देन ऑलवेज माइनस पाई बाय टू हियर आई इज इक्वल टू वन टू थ्री अच्छा अब ये है तो आई की इसकी वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स वन साइन इनवर्स टू इज लेस देन एन माइनस पाई बाय टू ये हमें पता है ये और गिवन है ये जब ये तो लेस देन है जब ये इक्वल ग्रेटर देन है ये कब होगा कोरस्पोंडिंग इनइक्वालिटी जब इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे साइन इनवर्स एक्स वन इक्वल टू साइन इनवर्स टू इक्वल टू माइनस पाई बाई टू अच्छा अब इसमें क्या आ गया साइन एक्स आई अच्छा एक्स वन अब यार सच तो साइन एक्स वन की वैल्यू क्या थी माइनस फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू सो माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस वन का स्क्वायर ये क्या है माइनस वन की जितनी भी इवन पावर होती है माइनस वन की क्या होती है इवन पावर अगर इवन है तो क्या आएगा प्लस के वन और माइनस वन की पावर अगर ओड है तो क्या आएगी नाइन यहाँ ये माइनस 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 रखता है प्लस वन यहाँ क्या रखता है वन 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 की क्या रखा है एम टाइम्स वन माइनस वन की पावर माइनस वन वन टू एम प्लस वन क्या एम प्लस वन और वन वन टू एम टू एम टाइम्स क्या आगे एम क्या आ गया माइनस एम प्लस वन अपॉन एम माइनस एम प्लस वन अपॉन एम ठीक है भाई आगे अब क्या है फाइंड द वैल्यू फाइंड द
वैल्यू साइन साइन 1/4 कॉस इनवर्स 1/9 साइन साइन 1/4 कॉस इनवर्स 1/9 लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/9 आ गया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/9 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1/9 ये क्या कॉस थीटा क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 - 1 इज इक्वल टू 1 - 9 इधर हट गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1 1/9 और यहाँ जो है इसको माइनस कर लो क्या कर लो इसको माइनस माइनस क्योंकि आ गया 9 यानी 8 सामने क्या आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 8/9 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 8/15 4/9 cos theta by 2 equal to plus minus 2/6 और साइन थीटा 0.4 इक्वल टू रूट 1/6 साइन थीटा बाई 4 इक्वल टू रूट 1/6 क्या आएगा रूट 1/6 Hence, that is the value. That is the value of kitni aa gayi uski value yahan ke tehat sin 1/4 cos inverse sin inverse sin 1/4 cos inverse minus 1/9 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4 देखो भाई ये क्वेश्चन दिया हुआ था ये क्वेश्चन साइन 1/4 कोस इनवर्स 1/9 लेट थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 1/9 ठीक है आ गया कोस थीटा इक्वल टू -1/9 तो क्या आ गया 2 cos² थीटा बाई 2 - 1 इक्वल टू -9 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 - 1/9 प्लस 4 क्या 2 cos² थीटा बाई 2 ये आ गया cos theta by 2, cos theta by 2, फिर फॉर्मूला कर लिया 1 - 2 sin² theta by 4 is 2/3 -2 sin² theta by 4 is equal to क्या आ गया 2/3 - 1 क्या आ गया 1/3 sin² theta by 4 is equal to क्या आ गया 1/6 sin theta by 4 6 sin theta by 4 ये 2/3 ये 0.4 तो sin theta by 4 is equal to क्या आ गया 1/√6 and it is answer is sin theta is equal to 1/√6
नेक्स्ट टॉपिक है वन प्लस साइन एक्स कॉस वन माइनस साइन एक्स देखो भाई, अब ये गिवन है x इक्वल टू 5 बाय 2, इसको प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू भैया क्या कहते हैं, फाइंड इस वैल्यू क्या है, फाइंड वैल्यू क्या है, फाइंड वैल्यू इसकी वैल्यू निकाले रूट वन प्लस साइन एक्स रूट वन माइनस साइन एक्स रूट वन प्लस साइन एक्स वन माइनस रूट साइन एक्स। तो क्या कर देता हूँ मैं, इसको रैशनलाइज कर देता हूँ, क्या करता हूँ उसको मैं रैशनलाइज कर देता हूँ, रैशनलाइज क्या कर देता हूँ, थोड़ा वन प्लस साइन एक्स माइनस वन माइनस साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स माइनस वन माइनस साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन। तो क्या हो गया, ए उसको रैशनलाइज कर दिया मैंने, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के यहाँ पे लगता है, यह ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या रहेगा, यह वन प्लस साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या आ जाएगा इसका, ये ए प्लस बी ए माइनस बी क्या रहेगा, वन प्लस साइन एक्स का स्क्वायर वन माइनस साइन एक्स का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर क्या होगा, वन प्लस साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स प्लस टू वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ गया, वन प्लस साइन एक्स माइनस वन प्लस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स, वन से ये बन जाएगा, ये क्या जाएगा साइन एक्स से साइन एक्स जाएगा क्या जाएगा, टू प्लस टू क्या जाएगा, टू प्लस टू प्लस टू वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स सिकोमोनस नीचे क्या गया टू साइन एक्स नीचे क्या गया टू साइन एक्स टू साइन एक्स अब दोनों क्या गए ये टू प्लस जैसे क्या गया टू प्लस टू कोस एक्स अपॉन टू साइन एक्स इनमें दो पदों को मिल जाएगी नीचे आ गया क्या आ गया वन प्लस कोस एक्स अपॉन साइन वन प्लस कोस एक्स अपॉन साइन इसका क्या आ गया ये वन प्लस कोस एक्स क्या आ गया वन प्लस टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन अपॉन टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन
प्लस फाइव एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू, इससे आ गया क्या आ गया टेन एक्स बाई टू, दैट इज क्या आ गया फोर एक्स बाई टू, दैट इज मीन्स एक्स बाई टू आंसर आ गया फोर एक्स बाई टू। और यहां से अगर ये कोट इनवर्स चल जाता है, यहाँ क्या चल जाता है कोट क्या चल जाता है कोट इनवर्स क्या नहीं आता इसको ये कोट इनवर्स, ये यहाँ पे क्या गए क्या गया आंसर कोट इनवर्स क्या गए कोट इनवर्स कोट एफ बाई टू, कोट इनवर्स कोट एफ बाई टू इज इक्वल टू एक्स बाई टू इक्वल टू क्या आ गया कोट इनवर्स कोट एक्स बाई टू इक्वल टू क्या आ गया एक्स बाई टू। देखो क्या सवाल चाहिए वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स, ये आ गया वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स, ये था कोट इनवर्स। तो इसको इस पार्ट्स को ले गया मैंने छोटे से हिस्से को, हिस्से को लेकर क्या कर दिया रैशनलाइज कर दिया, क्या कर दिया रैशनलाइज कर दिया, ये ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो ये क्या टू प्लस टू कोस एक्स कोस एक्स साइन एक्स वो सब कॉमन ले गई वन प्लस कोस एक्स कोस एक्स का हाफ वाला फॉर्मूला टू स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन वन से बन जाएगा क्या टू स्क्वायर एक्स बाई टू साइन एक्स का फॉर्मूला टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू इसके जाएगा कोट एक्स बाई टू कोस इनवर्स लगा हुआ है शुरू में ये वाला ये यहाँ लगा हुआ है तो कोट इनवर्स कोट एक्स बाई टू कोस इनवर्स कोट एक्स बाई टू जाएगा एक्स बाई टू एंड आंसर ये एक्स बाई सिक्स। x इक्वल टू ग्रेटर देन 0 साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू टैन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर कोस इनवर्स कोट इनवर्स वन माइनस स्क्वायर फोन एक्स सेक इनवर्स वन अपॉन वन माइनस का एक्स स्क्वायर कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स फोर एल एक्स इसी तरह tan cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस x का स्क्वायर tan इनवर्स वन माइनस x स्क्वायर ऑफ वन एक्स कोट इनवर्स x अपॉन वन माइनस x स्क्वायर sec इनवर्स वन अपॉन एक्स कोसेक इनवर्स वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर कोसेक इनवर्स इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर आज उसके टेन इनवर्स एक्स अपॉन साइन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर
cos inverse 1 upon x square. Cos inverse 1 upon x square. Cot inverse 1 upon x. Cot inverse 1 upon x. Sec inverse 1 upon x square. Cosec inverse, cosec inverse, 1 upon x square plus x. Here. मान लिया साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स वन बाई स्क्वायर, ये किस ट्राइंगल के लिए, फोर साइन इनवर्स एक्स के लिए ट्राइंगल के लिए कौन सी ट्राइंगल बनेगी, ये वाली, ये बनेगी साइन इनवर्स एक्स के लिए, इधर थीटा जाएगी ये एक्स, ये वन वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लीज फोर साइन इनवर्स कोस के लिए वन एक्स वन माइनस ये बनेगी कोस के लिए, टेन के लिए टेन के लिए क्या बनेगी, ये वन आ जाएगी, ये एक्स आ जाएगी, ये इसके लिए है, ये इसके लिए और ये टेन के लिए, देखो क्या फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, टेन इनवर्स अपॉन वन स्क्वायर, कोस इनवर्स वन अपॉन एक्स, क्या गया, कोस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स मैंने क्या कोस इनवर्स इसका आ गया, ये आ गया साइन इनवर्स एक्स के लिए क्या आ जाएगा, ये एक्स मान लूंगा, ये हाइपोटेनस वन, ये वन माइनस क्या आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, इसी के लिए टेन से ये वन आ जाएगी, यहाँ इसका बेस एक्स मान लो वन माइनस स्क्वायर, इस तरह ये वन 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 प्लस स्क्वायर आ जाएगी इसके, ये टेन इनवर्स के लिए, ये कोस इनवर्स के लिए और ये साइन इनवर्स के लिए मिल जाएगी, जैसे एक क्वेश्चन है ये, इन्हें रट लेना भैया, ठीक है, वही है ये, तो जैसे वन माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे साइन एक्स बराबर सारे वन माइनस कोस स्क्वायर का एक्स, वही है बस, ये लगभग है, ठीक है, इस तरह याद कर लेंगे, जैसे मान ली यहां से जो है जैसे
ये भी सवाल है, ये क्या है? सोसेट सोसेट कैन यूवर्स कैसे कैन यूवर्स कोस थ्री फोर्थ इनवर्स थ्री सेक थ्री साइन इनवर्स के इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू इन सबकी वैल्यू इनकी वैल्यू निकालनी है। फाइंड दिस वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो लेट लेट एक्स इक्वल टू कोसेक टेन इनवर्स कोस फोर्थ इनवर्स सेक इनवर्स साइन इनवर्स ए ये क्या है? यह है साइन इनवर्स, यह है सेक इनवर्स, यह है साइन इनवर्स, ये सेक, ये सेक इनवर्स, ये साइन इनवर्स है। इसके सेक में फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका? यहां से ये क्या आएगा? अभी अभी बताया था हमने साइन इनवर्स ए है, सेक इनवर्स कौन वन माइनस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये गुणा कौन वन माइनस ए स्क्वायर क्या आ गया? कोसेक टेन इनवर्स कोस फोर्थ इनवर्स सेक सेक इनवर्स वन अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर। तो सेक सेक यूनिवर्स ए ये चले जाएगा, क्या जाएगा? कोस यूनिवर्स क्या जाएगा? ये फोर्थ यूनिवर्स क्या जाएगा? ये फोर्थ यूनिवर्स या अब ये कोट यूनिवर्स है, ये कोस है, क्या जाएगा एक्स का? क्या जाएगा? वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर एक वो जोड़ देंगे, क्या जाएगा? ये टू माइनस एक्स स्क्वायर क्या जाएगा? ये कोट यूनिवर्स क्या जाएगा? ये कोस एक्स टेन यूनिवर्स कोस इनवर्स मैंने कहीं टू माइनस के फेस पे ये कोस इनवर्स कोस से क्या आएगा? कोस है टेन इनवर्स वन अपॉन टू माइनस ए स्क्वायर ये आ गया। और फिर टेन इनवर्स वन अपॉन ये है एक्स वन माइनस स्क्वायर कोस में क्या आ जाएगा? कोस स्क्वायर ये क्या आएगा? वन माइनस वन प्लस माइनस में स्क्वायर क्या आएगा? थ्री कोसेक
परफेक्ट इनवर्स थ्री माइनस ए का स्क्वायर, कोसेक इनवर्स भी क्या आ गया थ्री माइनस का एस। ज्यादा सवाल ये कोस एक्स टेन इनवर्स कोस कोट इनवर्स सेक इनवर्स ये था, मान लेते वैल्यू एक्स होंगे एक्स बराबर कोस एक्स टेन इनवर्स कोस कोट इनवर्स सेक ये स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू जो है साइन इनवर्स को कहना चेंज कर लूंगा मैं सेक इनवर्स में, साइन इनवर्स को कहना कर लूंगा सेक इनवर्स, सेक सेक इनवर्स क्या आएगा एंगल बचते आए है ना साइन साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या आता है थीटा आता है। तो इसी तरह कोट इनवर्स को फिर क्या बदल लूंगा मैंने कोस इनवर्स को बदल लिया, ये एंगल खत्म हो गया, फिर टेन इनवर्स को कोसेक इनवर्स में बदल दिया आ गया, तो क्या आ गया थ्री माइनस के मैंने फोन में लिखाई थी वो। ठीक है आगे बढ़े क्वेश्चन है कि ऑर्डर move that is the value when we move that is the value let x to power n is equal to 10 let x to power n is equal to 10 then we have cos inverse 1 minus 10 square theta upon 1 plus 10 square इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 tan square theta upon 10 square theta आ गया cos inverse cos 2 theta equal to क्या आ गया 2 theta equal to क्या आ गया 2 theta और यहाँ से theta की वैल्यू क्या आ गई tan inverse x power n क्या आ गया यहाँ से थीटा की वैल्यू इज लाइक दैट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स की पावर एन इट मींस टू टेन इनवर्स एक्स की पावर एन इसकी आया भाई बात समझे भाई। देखो ये क्वेश्चन क्या हुआ था इसको मैंने जो है ना एक्स की पावर टू एन है एक्स पावर टू एन को क्या ले सकते हैं एक्स का एन का स्क्वायर ये भी ले सकते हैं पावर की पावर एक्स इसे एक्स की पावर एन को क्या मान लिया मैंने टेन थीटा हो गया और एंगल क्या मान लिया मैंने टेन थीटा तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स और एन आ जाएगा इसकी वैल्यू होगी तो टू थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स की पावर एन एस। ठीक आगे अब जो है रिलेटिव एफ इनवर्स एक्स रिलेटिव एफ इनवर्स माइनस एक्स एफ इनवर्स माइनस एक्स
एक क्या आएगा जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स माइनस क्या आएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स पाई माइनस के कोस इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स माइनस के टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू फाइव माइनस के कोस इनवर्स एक्स. ये क्या फॉर्म होता है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू sec inverse 1 cos x tan inverse x equal to cot inverse x minus chi plus cos inverse x इसकी वैल्यू एक्स इक्वल टू वैल्यू होगी एक्स इक्वल टू देन और ये एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हें यहाँ तो नहीं होगी एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू वन यूनियन वन टू इनफिनिटी ये एक्स की वैल्यू यहाँ से बोलने के लिए ये काम करेगी क्या करेगी एक्स माइनस इनफिनिटी टू फोर ओवर एक्स क्या कह लेंगे फोर ओवर एक्स सी ये फॉर्मूला है साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स इक्वल टू पाई कोस इनवर्स एक्स पाई कोस इनवर्स एक्स ठीक नहीं है ये इस तरह के ये फॉर्मूले ये है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल कोट इनवर्स एक्स माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स एन एक्स इक्वल टू जीरो ये होगा देन एक्स की वैल्यू देन जीरो होगा दैट इज ये आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा आगे वो ये इसमें क्या है एक्स इक्वल टू माइनस वन टू वन रहेगा फिर इसमें वही वही वाली यूनिट आ जाएगी कोसेक इनवर्स में ये वाली जिस तरह एक हो रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू फाइव बाई टू फोर होल एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन टेन इनवर्स एक्स प्लस फोर इनवर्स एक्स इक्वल टू फाइव बाई टू ये भी ये वही रहेगा फोर होल एक्स बिलोंग्स टू आर ये फोर होल सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू फाइव बाई टू फोर और
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई किया जाएगा पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई ये क्या आएगा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई इसकी वैल्यू है इफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन वैल्यू इफ x is greater than value y is less than 0, x, y is greater than 1. If x is less than 0, y is greater than 0, x is less than 0. No, yeah, yeah. टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के दो फॉर्मूले होते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई टेन इनवर्स एक्स भी एक्स टेन वाई ये सब जगह एक्स की वैल्यू बड़ी जीरो वाई की वैल्यू जीरो ग्रेटर देन हो तो ये वाला आएगा एक्स की वैल्यू लेस देन है वाई की वैल्यू लेस देन है तो ये आएगा टेन माइनस वाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन एक्स वन प्लस एक्स वाई सवाल है नया जैसे इफ एक्स आई बिलोंग्स टू जीरो टू वन फॉर ऑल आई जीरो वन टू थ्री अप टू एन फाइंड the maximum value of find the maximum value of
इसकी वैल्यू निकालनी है। फोर एल एक्स आई की वैल्यू जीरो टू वन की लाइट करते हैं, आई की वैल्यू एक्स आई वन टू एट ट्वेंटी एट है। फाइंड द इनवर्स साइन इनवर्स एक्स वन कोस इनवर्स एक्स वन साइन इनवर्स एक्स टू कोस इनवर्स एक्स टू साइन इनवर्स थ्री कोस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स ट्वेंटी एट कोस इनवर्स ट्वेंटी एट। इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है भैया, इन सबकी वैल्यू निकालनी है। इन सबकी वैल्यू निकालनी है तो क्या जाएगा भैया, ये लेट इसकी वैल्यू मान लिया के है, लेट इन सबकी वैल्यू जो है मान लिया के है, इन सबकी वैल्यू क्या है इसकी के है, इन सबकी जगह की वैल्यू के है, इन सबकी वैल्यू के है तो क्या रहेगा, प्राइम इनवर्स एक्स आई इज ग्रेटर देन बी, क्या होता है ए एम इज बेटर देन जी एम, ए एम इज बेटर देन जी एम होते हैं। अगर दो नंबर हैं तो उनका क्या होता है, ए एम इक्वल टू जी एम, तो क्या जाएगा ये इनकी, अगर मान लिया दो नंबर है, मान लिया ये दो नंबर होते हैं ए और बी, इनका क्या है ए एम इज बेटर देन जी एम, ए एम क्या आता है ए प्लस बी बाई टू, जी आता है क्या ए बी, ये तो आता है ए एम इक्वल टू जी एम। तो अब इससे क्या आ जाएगा ये, अब मान ले दो नंबर हैं साइन इनवर्स एक्स वन और कोस इनवर्स एक्स वन, क्या आ जाएगा ये साइन इनवर्स फोर साइन इनवर्स एक्स वन प्लस साइन कोस इनवर्स एक्स वन अपॉन टू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वन cos inverse x here, इसी तरह से ये क्या आ जाएगा sin inverse cos inverse x2 3 sin inverse x2 plus cos inverse x2 is greater than cos inverse x2 ये इसी तरह से सिमिलरली यहां तक के लास्ट में क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स ट्वेंटी एट प्लस cos inverse x 28 upon 2 यहाँ देखिए एंड सुन ले, ये आ गया एक्सपेरिमेंट। अब मैंने क्या करा इनको, उसको इसको इसको इनको सबको क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया, उन सबको क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया, सबको क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। तो इधर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स वन प्लस कोस इनवर्स एक्स वन प्लस साइन इनवर्स एक्स टू प्लस फोर इनवर्स एक्स टू एंड फोन, अब तो यहाँ तक के और किया जाएगा ये साइन एंड फोन साइन इनवर्स एक्स वन साइन इनवर्स एक्स टू फोर इनवर्स एंड सून, ये लास्ट में ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स ट्वेंटी एट
इसी तरह से यहां से ये भी आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा लास्ट वाला टाइम इनवर्स एक्स 28 प्लस cos इनवर्स एक्स 28 अपॉन c ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू सबकी जो है, इन सब की वैल्यू ये, इस सब की वैल्यू के मान रखी के, इस सब की वैल्यू क्या मान रखी के, ये तो लेस देन ये साइन इनवर्स एक्स वन प्लस साइन इनवर्स कोस इनवर्स पाई बाई टू, ये भी पाई बाई टू, ये भी पाई बाई टू, कब तक के 28 पाई बाई टू कितने आ गए 28 पाई बाई टू, 28 क्या जाएगा 28 पाई बाई टू और अपॉन टू है ही है तो क्या आएगा पाई बाई टू इंटू वन अपॉन टू इंटू 28 क्या आएगा 28 पाई बाई नहीं 7 पाई क्या आ गया ये 7 पाई इंटरटेड है ये क्या आ गया 7 पाई इंटरटेड है ये ई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ई की यानी के की मैक्सिमम वैल्यू फॉर के मैक्सिमम वैल्यू इज 7 पाई, के की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी 7 पाई होगी। देखो क्या क्वेश्चन है ये दे रखा है आई आई की वैल्यू है फाइंड द तब तो 28 फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ये क्वेश्चन देखा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली मान लिया यहीं से के बराबर। अब साइन इनवर्स एक्स आई इक्वल टू जीरो पता है 4 है साइन इनवर्स एक्स आई इक्वल टू जीरो होता है वो 4 एक्स आई इक्वल टू क्या है आई इक्वल टू 1 है। अच्छा अब हम जानते हैं ए एम इक्वल टू जी एम 4 साइन इनवर्स एक्स 1 कोस इनवर्स के लिए ए एम तो यूरा जी एम यूरा इससे दूसरे फंक्शन के लिए 28 तक के लिए, इसलिए हमने क्या लिखा 28 फंक्शन दोनों के लिए यहां से निकाल देंगे। अब इन्हें सबको क्या कर लिया एडिंग कर लिया, क्या कर लिया सबको एडिंग कर लिया सबको क्या कर लिया हमने एडिंग कर लिया क्या कर लिया एडिंग ऑल एडिंग एडिंग ऑल कर लिया ये आ गया इधर तो ये आ गया टाइप करके और इधर मल्टीप्लिकेशन में जाओ ये तो जो है वैल्यू के की इक्वल रखी ये रखी है के बराबर मान ली थी ये के एक्स में साइन इनवर्स एक्स वन प्लस कोस इनवर्स एक्स वन क्या रखता है पाई बाई टू ये पाई बाई टू ये पाई बाई टू ये पाई बाई टू कितने पाई बाई टू 28 पाई बाई टू अरे 1.2 नीचे एक्स पाई का है फिर से आ गए के नहीं के इज लेस देन 75 नहीं के की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इसकी इक्वल होगी के इक्वल टू 7 पाई एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 7 पाई। एक्स की वैल्यू क्या होगी 21 ये गेट पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन 1 माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2 इफ x इज लेस देन माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी
टेन इनवर्स टू फाइव प्लस टेन इनवर्स फाइव माइनस फाइव टू टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू थ्री आ जाएगी। सिमिलरली साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स एक्स वन माइनस वाई स्क्वायर वाई इंटू वन माइनस एक्स का ये साइन इनवर्स एक्स इंटू ये भी प्लस है तो यहाँ भी है प्लस हो गई। सिमिलरली कोस इनवर्स सिमिलरली कोस इनवर्स एक्स x is greater than 0, y is greater than 0, x square plus y square is less than equal to 1. इसी तरह से sin inverse x plus sin inverse y is equal to 5 minus sin inverse का फॉर्म है। सिर्फ कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्म क्या होता है कोस इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस वन माइनस एक्स का स्क्वायर वन माइनस वाई का स्क्वायर। ये क्या कोस इनवर्स एक्स वाई एक्स वाई वन माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वन हो गया वाई का स्क्वायर। ये फॉर्मूले आप कर देंगे जैसे एक और आगे क्वेश्चन है इफ if a1 a2 a3 up to an are in ap are in ap are in ap with common distance d with common distance d then tan inverse d upon 1 plus a1 a2 plus tan inverse d upon 1 plus a2 a3 1 plus a2 a3 plus tan inverse b upon 1 plus a n minus 1 h इसकी वैल्यू निकाल दीजिए फाइंड द वैल्यू फाइंड देन गिव एंड फाइंड वैल्यू की वैल्यू निकालनी है क्या निकालना की वैल्यू निकालनी तो गिवन क्या है ये गिवन है ये tan tan inverse d upon 1 plus a1 a2 अच्छा तू ही लिख दूंगा बस ये जो गिवन है d क्या है ये कॉमन डिफरेंस है मतलब अगर कॉमन डिफरेंस a1 a2 है तो क्या जाएगा a2 माइनस a1 तो क्या जाएगा tan
टेन इनवर्स ए टू माइनस ए वन होम वन प्लस ए वन ए टू की लेस हो रही है 8 किलोमीटर में बात इस पर टेन इनवर्स ए थ्री माइनस ए टू अपॉन वन प्लस ए टू ए थ्री टेन इनवर्स ए एन माइनस ए एन माइनस टू अपॉन वन प्लस ए एन माइनस टू ए ये क्या है टेन इनवर्स एक्स टू माइनस ये फॉर्म में चाहे बराबर आगे जो आगे टेन इनवर्स ए टेन टेन इनवर्स ये एक्स माइनस वाई टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला रखा है टेन इनवर्स ए टू माइनस टेन इनवर्स ए वन टेन इनवर्स ए थ्री माइनस टेन इनवर्स ए टू टेन इनवर्स ए एन माइनस टेन इनवर्स ए वन ये आ गया इसमें से इससे तो ये कट जाएगा इस पे ये कट जाएगा ये सिर्फ ये बचेगा ये वाला और ये वाली क्या बचेगा टेन इनवर्स ए एन माइनस टेन इनवर्स ए एन ये क्या आ जाएगा टेन इनवर्स ए एन माइनस ए वन अपॉन वन प्लस ए एन ए माइनस ये आ जाएगा ए एन की वैल्यू क्या होती है यहां से टेन इनवर्स ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एन की वैल्यू माइनस ए अपॉन वन प्लस ए एन ए वन इस ए से एक ए से ए कट जाएगा क्या हो जाएगा एन माइनस वन इंटू डी क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एन माइनस वन इंटू डी अपॉन वन प्लस ए एन ए पर वहां चलाई आ रहा है टेन से टेन इनवर्स की टेन से चला रहा है वहां टेन चला रहा था मैं यहाँ टेन ही चला रहा थे यहाँ पे टेन चला रहा थे टेन पे टेन चलेगा क्या आएगा ये टेन माइनस वन इंटू बी अपॉन वन प्लस ए एन इंटू देखो ये क्वेश्चन था ए वन ए टू आर कॉमन डिफरेंस डी है तो डी भी क्या गया ए टू माइनस ए वन के लिए टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगा टेन इनवर्स में टेन इनवर्स वाई ये बच जाएगा फिर इसमें फॉर्मूले लगा दिया मैंने ए एन माइनस एन ए एन क्या हो एन एस टेन क्या हो उसमें एपी में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसकी वैल्यू रख दी है प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए से कट जाएगा टेन टेन इनवर्स ये बस हुआ तो इधर एन माइनस वन के ओन ए एन प्लस वन प्लस ए एन ए वन ठीक है भाई इस तरह कर लेते हैं आज के लिए इतना ही नेक्स्ट टर्न पे फिर क्वेश्चन करेंगे ठीक है आज के लिए थैंक्स फॉर बेस्ट ऑफ इट